यीशु मसीह के जिंदा जलाले और पाक नाम में सोल्जर ऑफ जीसस लुइस मैथ्यू, उसके सारे घराने, गुलजार फैमिली और सिटी चर्च इंटरनेशनल की तरफ से रियल लाइफ लिविंग मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पास्टर एहसन भट्टी, ईमान भट्टी और ईमान टीवी की सारी टीम को सलाम। मेरे असीसो, हम क्रिसमस की खुशियों को मना रहे हैं। आज का ये असीम दिन हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से बख्शा गया है। खुदा ने हमेशा इंसान से मोहब्बत की और उस मोहब्बत को उसने यूँ जाहिर किया कि जो रिश्ता टूटा हुआ था उस रिश्ते को बहाल करने के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस बात को अहद अतीक में नबियों के वसीला से, नबिश्तों के वसीला से कलाम बयान करता है, और अहद जदीद में हमें इसकी तकमील नज़र आती है जैसे मुकस्सा मरियम की गोद में यीशु मसीह चलने में पैदा होते हैं। और मेरे अज़ीज़ो, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद हमारे दिलों से नफरतें, कदूरतें, हर विषय जो एक दूसरे के लिए हैं निकाल देने का नाम है। मेरे अज़ीज़ो, हमें हकीकत में क्रिसमस के मतलब को समझने की ज़रूरत है, इस बात को समझने के लिए ज़रूरत है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो क्यों आए। और मेरे अज़ीज़ो, हम दुआ करते हैं कि खुदा आप सबको बल्कि सारी मसीहियत को क्रिसमस के हकीकी मतलब को समझने की तौफीक दे। मेरे अज़ीज़ो, आपके चर्च के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की सारी मिनिस्ट्री के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दुआएं की जाती हैं, और हमारा चर्च सिटी चर्च इंटरनेशनल ये भी आपको अपनी दुआ में याद रखता है, और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखते हैं। सो एक बार फिर सोल्जर ऑफ जीसस लुइस मैथ्यू, मेरे सारे घराने, मेरी सारी टीम सिटी इंटरनेशनल चर्च की तरफ से पाकिस्तान रियल लाइफ लिविंग मिनिस्ट्री को, पास्टर एहसन भट्टी को, ईमान भट्टी, ईमान टीवी की सारी टीम को और पाकिस्तान के सारे मसीही बहन भाइयों को हमारी तरफ से क्रिसमस की और न्यू ईयर की ढेरों खुशियां मुबारक हों। और मैं उन दो चीज़ों से भी दरख्वास्त करता हूं जो इस वक्त मुझसे दूर हैं और मुझे सुन रहे हैं और जिनका मैंने दिल दुखाया, दिल की गहराइयों से माफ़ी मांग कर उन्हें क्रिसमस और नए साल की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। जय मसीह दी।